एक गली है, ये इधर मकान बने हुए हैं, इधर मकान बने हुए हैं, ऐसे एक मकान ऐसा बना हुआ है इस पे, इसको बोलते हैं टी आकार की भूमि। जो भूमि होती है ना, ये जो प्लॉट है वो टी वाली टक्कर पे है, ये सीधे इस पे गया है, ये देख रहे हैं ना इस पे, ये इसको टी बोलते हैं, ये सीधा गया और इस पे टकराया। ये बहुत ही खराब प्लॉट होता है, किसी को भी ये सजेस्ट मत करिएगा। अगर कोई लेने वाला हो, इसमें आप वास्तु बहुत कुछ कराएं तो भी खराबी होती रहेगी। अधिकतर इसमें देखा गया है, मेरे देखे जब मैंने पढ़ा था कभी, जिस जमाने में भी पढ़ा होगा, टी आकार की भूमि पे ऐसा ऐसा होता है, जो जो मैंने पढ़ा था इसमें, इस भूमि पे रहने वाले बड़े संतान की जो वाइफ होती है वो भाग जाती है। बड़ा संतान किसी न किसी वजह से बीमार हो जाता है, किसी न किसी वजह से खत्म होने के का आशंका बना रहता है, और हो सकता है खत्म भी हो जाता है, और ऐसा मैंने कई प्लॉट पे देखा है। बीमारी घर में बनी ही रहती है। एक पार्क बना हुआ है, ये पार्क बना हुआ है, इसके चारों तरफ मकान बने हुए, ठीक, ये रास्ता इधर जा रहा है, ये रास्ता इधर जा रहा है, ये रास्ता भी इधर से इधर जा रहा है, तो ये कहीं नहीं जा रहा। इस टाइप से आपने भी देखा होगा कई बार, तीन तरफ पार्क के तीन तरफ जो रोड जा रहा होता है, एक रोड कहीं नहीं। अब जो यहां पर, इसको आप ये ले लो मार्ग, इसका ये चारों तरफ तो मार्ग है ही, ये इधर चला गया, इधर मकान नहीं है, यहां से चला गया सीधा, और इस रोड पे मकान है, इस रोड पे पूरा मकान बना हुआ है, इधर ये रास्ता फिर यहां आया और ऐसे चला गया। ये जो है, ये जो मकान बना हुआ है यहां पर, ये रास्ता चला गया, और ये जो मकान बना हुआ है, एक तो ये मकान बना है और एक ये मकान बना है। ये जो मकान बनाया है यहां पर, ये है अर्ध टी, ये वाली जो है ना, ये जो टी ऐसे जा रही है और ये पूरा नहीं हो रहा है, ये तो है मगर ये इधर चला गया। आप ध्यान करिएगा, मतलब ऐसे मकान को जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये अर्ध टी है, ये जो टक्कर वाली, ये जो यहां से जो मकान गया और यहां तक जो ऐसे गया हुआ है, ये जो मकान है ये अच्छा नहीं होता, ये तरक्की नहीं कर पाते ये लोग। अगर इनका मकान पुराना रहता है तो आप देखोगे अधिकतर पुराना ही रह जाता है, बाल बच्चे तक पुराना चला जाता है। ये किसी किसी के कुंडली के हिसाब से शुभ हो जाता है किसी का, अगर इनके अच्छे कर्म हुए और इनके घर में किसी की कुंडली ऐसी हुई, जो आदमी ऐसा पैदा हुआ, किसी ने आह्वान किया ऐसे बच्चे को, या इनके यहाँ पे वास्तु का काम हो गया है, या ये ज्योतिष के फील्ड से जुड़े रहते हैं, दिखवाते रहते हैं, तो ऐसी जगह पे अगर कोई संतान पैदा हो आगे और ऐसी कुंडली लेकर पैदा हो कि ये मकान उसको टी वाला तब भी किसी को फलेगा नहीं, ये आधे टी वाला फल सकता है किसी संतान के होने के बाद, ये अपने आप किसी का फलना जरूरी नहीं है। और मैंने देखा है अधिकतर कि ये नहीं फलता है, पूरे पार्क में आप कई सारे पार्क में देख लोगे, पूरे पार्क में ठीक ठाक बना हुआ है, केवल यही जर्जर स्थिति। अगर किसी तरह से इसने लोन वोन लेकर करा भी लिया तो भी इसको लोन चुका नहीं पाता, मकान बेचना पड़ जाता है, फिर दूसरा आया उसके साथ भी प्रॉब्लम रहती है, कोई नहीं। ठीक है, ये एक टी है, इसी में एक टी और बनती है, ये तो अर्ध टी हो गई, एक टी और बनती है। जैसे ये पार्क है और पार्क में ऐसे करके ये रोड है और ये रोड सीधा ऐसे करके निकल गया, मकान भी बना हुआ है और ये रोड ऐसे करके निकल रहा है, ये रोड भी इसमें ऐसे करके मिल गया। यहां पर जो मकान बना हुआ है ये भी ये नहीं है, यहां पर ये खाली है, ये रोड निकल रहा है ऐसे करके, ये रोड ऐसे निकल रहा है और ये भी निकल रहा है, ये आ तो गया टी पर ना, ये वाला मकान, ये वाला टी जो है ये गलत नहीं होता, ये ठीक रहता है, अपना इफेक्ट थोड़ा सा तो डालता है आपको। इतने सारे लोगों में ये थोड़े आउटडेटेड दिखेंगे,
मगर ये जो टी है ये ज्यादा बुरा नहीं होता, ठीक होता है, ये लोग तरक्की भी करते हैं, थोड़ा टी इफेक्ट डालता है अगर ये वास्तु करा लें ठीक ठाक, या किसी भी ओकल साइंस के किसी भी शास्त्र से जुड़ जाए तो इनका इनकी रेमेडी ठीक ठाक चलती है, थोड़ा करने से काम होने लगता है इनका। इनका करने से भी अगर आप इनकी रेमेडी भी करते हैं तो भी समझ के करिएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी रेमेडी हम करते हैं, हमें जमीन की तो नॉलेज नहीं है, किस आकार की जमीन है, सबसे पहले तो बाथरूम में जाइए, टैप चलाइए और जमीन भूमि किस प्रकार की है वो नाप लीजिए, यहाँ का आदमी कैसा होगा, जो मैंने भूमि के प्रकार बताए थे आपको। उसके बाद आकार पे चले जाइए, आकार कैसे कैसे होता है, आकार मैं बता चुका हूं।